पुरानी रंजिश को लेकर अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक व्यक्ति पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर घायल करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी रिजवी उर्फ रिजवान को तलवार के साथ गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य आरोपियों की संदिग्धता की जाँच की जा रही है। SP सिटी मनोज कत्यार ने खुलासा करते हुए कहा कि 15 सितंबर को वादी विकास चौहान ने पुलिस को शिकायत दर्ज करके बताया था कि पुरानी रंजिश के चलते आरोपी ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर युवक पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया था। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री जी के और पुलिस मुख्यालय से लगातार हम लोगों को निर्देश प्राप्त होते रहते हैं कि प्रदेश को भयमुक्त और अपराध मुक्त बनाना है। इसी दिशा में एक घटना जो की हुई थी दिनांक 14 सितंबर को, उसकी सूचना हमें 15 तारीख को प्राप्त हुई, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा एक अन्य व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया गया और खुले में तलवार लहराई गई। तो इसे एक चुनौती के रूप में लेते हुए हमने स्वीकार किया और इस घटना में तत्काल गंभीर धाराओं में हमने अभियोग पंजीकृत किया और इसमें 72 घंटे के भीतर हमने जो मुख्य अभियुक्त है, जो कि बहुत ही शातिर किस्म का है, उस पर पूर्व पे भी लड़ाई झगड़े के काफ़ी मुकदमे उसके ऊपर दर्ज हैं, उसको हमने बड़ी मेहनत और लगन के साथ इसमें CCTV फुटेज और मैनुअल जो इंटेलिजेंस है उसकी सहायता से उसे गिरफ्तार किया और साथ ही जो घटना में प्रयुक्त जो वेपन है उसको भी हम लोगों ने रिकवर किया। इसमें कुछ लोग और शामिल हैं जिनके नाम आ रहे हैं, हम लोग उसकी भी जानकारी कर रहे हैं, उनके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इसमें मैसेज एकदम क्लियर है, जो भी शांति व्यवस्था भंग करेगा